भाजपा अगले महीने से राजस्थान की आम जनता को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी। इसके लिए भाजपा की ओर से प्रदेश में बूथ स्तर पर रामलला दर्शन की योजना बनाई जा रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि रामलला दर्शन के बहाने भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों पर नजर है। इसके लिए भाजपा बूथ स्तर पर नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रही है। गौरतलब है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। देश विदेश के लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने चाह रहे हैं। हालांकि समारोह में 22 जनवरी को केवल आमंत्रित व्यक्तियों को ही अयोध्या पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा भाजपा, आरएसएस, विहिप, बजरंग दल सहित अन्य संगठन अपने स्तर पर भी लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए ले जाने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे का ये मकसद बताया जा रहा है कि देश भर से लोगों के एक साथ पहुंचने पर परेशानी की हालत नहीं बने, इसलिए अलग अलग संगठन योजना बना रहे हैं कि सामूहिक रूप से अलग अलग समय दर्शन करवाए जाएं। भाजपा ने बूथ स्तर पर दर्शनों की व्यवस्था की है। इसके तहत आम जनता को दर्शन करवाए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा का कहना है कि भाजपा ने रामलला के दर्शन के लिए बड़ा कार्यक्रम बनाया है। 22 जनवरी के बाद पार्टी की ओर से बूथ स्तर तक से लोगों को अयोध्या ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए भाजपा की ओर से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं तक जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। मीणा का कहना है कि विधानसभा और मंडल स्तर आम जनता श्री राम के दर्शन हो, इसके लिए विधानसभा या लोकसभा वार ट्रेनों या बसों से जनता को ले जाने की कोशिश की है। लोगों को सामूहिक रूप से रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। इसके लिए भाजपा ने प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं की संरचना की है। सियासी लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन लोग रामलला के दर्शन को लेकर उत्साहित हैं। अब देखना होगा कि भाजपा की ये कोशिश इन लोगों को वोटों में परिवर्तित कर पाती है या नहीं। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।